बिकॉज यू नो सो मच अबाउट ऑल दीज टीममेट्स, और आजकल सारे घर पे बैठे, किसके लिए घर पे बैठना वुड एक्चुअली बी वेरी इजी? ऑल द पीपल दैट यू प्लेड विद, हु वुड एक्चुअली बी एंजॉयिंग दिस पीरियड द मोस्ट एंड हु वुड नॉट बी एंजॉयिंग दिस? जहीर खान मतलब इसमें कोई सोचने की कोई कोई कंपटीशन भी नहीं है भाई। जहीर खान जेन मास्टर वो तो वैसे ही बिल्डिंग से नीचे उतरना हो ना तो वो वीजा लेता है भाई। सेव आज कर लिया है, सवेरे बाल कटाने रह गए, रास्ता मैन बन जाऊंगा मैं भी महीने में। I like that Ashish Nehra on ASAP with JSAP आज shave wave करके। Ashupa, how's the lockdown going यार? लॉकडाउन में देखो टाइम मिल गया ना, वैसे शेव होती है महीने में 2-3 बार, अभी शेव हो जाती है 3-4 दिन में एक बार, क्योंकि गोवा में गर्मी भी बढ़ रही है ना, ब्लेड खर्च हो जाएंगे ज्यादा लॉकडाउन में। but you have anyways अपने आप को isolate करके, आप तो वैसे ही गोवा में बैठे थे अपने आप को lockdown करके, has it made much of a difference or same chill रास्ता life? मेरे को तो इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ा है, बाकी लोगों को तो खैर काफी पड़ गया, मेरे को तो ठीक है, बस सिर्फ ये कि थोड़ा एक दो बार जो चक्कर लगता था बीच का ना वो नहीं है, बीच बस सिर्फ टीवी ऑन करके टीवी पे देखना पड़ता है, बाकी तो कॉम्प्लेक्स में पता ना हमारा जो कॉम्प्लेक्स में वही थोड़ी बहुत ट्रेनिंग योगा बच्चों के साथ वो है, बच्चे स्कूल नहीं जाते बस, वो एक बड़ा डिफरेंस है, 5-6 घंटे ना घर पे रहते हैं तो उनको एंटरटेन करना पड़ता है। पापा दिख रहे हैं बहुत ज्यादा, सब ठीक तो है। एक आया था ना, एक वीडियो आया था उसका, दो बच्चे खेल रहे हैं और बोलते हैं ये आदमी कौन है 3 दिन से घर पे, हमारी फैमिली फोटो में भी है आपने। नहीं, अपना वो हाल नहीं था ना खेलते हुए और ना खेलना छोड़ के कमेंट्री करते हुए या कोचिंग करते हुए, उतना तो जैसे ही टाइम मिलता है मैं फ्लाइट पकड़ लेता हूँ बॉम्बे से गोवा ना। बट दिस हैज टू बी डिजिटली द मोस्ट एडवांस्ड थिंग यू एवर डन, आज जो कर रहे हो जूम में। अरे मेरे बेटे का अकाउंट है भाई ये, वो दिख रहा है आरुष नेहरा आ रहा है नीचे दिख रहा है, वो आ रहा ना आरुष नेहरा, ये उसका अकाउंट, मेरे को तो पता भी नहीं था उसका अकाउंट खुला, मेरी बीवी कहती है कोरोना ने उसका अकाउंट भी खुलवा दिया हफ्ता 10 दिन पहले। मैंने कहा मेरा खुला 1-1.5 साल पहले, उसका भी से खुल गया देख ले, हाईटेक हाईटेक। ये थोड़ा बैर क्यों, ये क्वेश्चन भी पूछा रहता है आज, आप ही बता दो यार जितने लोग देखेंगे, व्हाट कीप्स यू अवे फ्रॉम सोशल मीडिया? पता नहीं और बड़ी चीजें हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि सोशल मीडिया खराब है, पर मेरे को इतना कोशिश करता हूँ, जतिन सबरू ने बड़े दिन से मेरे पीछे पड़ा, किस चीज से शुरू करूं अगर मैं सोशल मीडिया पे आऊं तो बता यार। आई थिंक आपके जैसा बंदा, खुश मिजाज बंदा, खुशियां बांटता है, आई थिंक इंस्टाग्राम इज व्हाट फॉर यू, इट इज मेड फॉर यू इंस्टाग्राम। हाँ पैसे देंगे तो आजकल आजकल तो सारी चीजें वैसे ग्राम में ही मिल रही है, किलो में कुछ नहीं मिल रहा। तो ग्राम उसके, और उसके लिए भी घंटा 1.5 घंटा लाइन लग रही है, और दो ग्राम में भी घंटा 1.5 घंटा, पहले जो चीजें वैसी देते थे ना सब्जी पे, अगर आपने लिया आलू प्याज टिंडे तोरी जो भी ले, तो फिर क्या होता था हरी मिर्च धनिया पुदीना फ्री में मिलता था। अभी तो वो चीजें ग्राम में मिल रही हैं और ये उससे भी ना ये आधा ग्राम मिल रहा है, अगर 100 ग्राम कोई चीज लो तो ये आधा ग्राम मिलता है, अगर मिल जाए तो, मिल जाए तो उसके लिए लाइन में लगना पड़ता है 1-1.5 घंटा। मैंने सुना है 3-4 दिन पहले लग के आए हो। यस इतनी देर, मेरी बीवी भी लगी थी। आरडी वाज आल्सो देयर। हां दोनों दोनों। हां कितने बजे सुबह? 5:40 AM 5:40 AM और कितनी देर बाद मिली सब्जी? 6:55 मिल गई थी, 1 hour 15 minutes। लेकिन ये सब लगे थे शांति से, बेबी सिटिंग बर्तन झाड़ू पोछा ऑल इन वन मशीन, बट दैट इज गुड एक्चुअली, इट्स गुड वर्कआउट। बट वन मोर क्वेश्चन दैट आई हैव फॉर यू, यू आर वन ऑफ द लकीएस्ट मैन, मतलब जिनकी बीवी कभी डांटती भी होगी तो वो भी जी के साथ, रिस्पेक्ट के साथ, नेहरा जी, मेरे को लगता है प्रधानमंत्री मोदी जी के बाद यूनिवर्सिटी एक्सेप्टेड कोई जी है तो वो नेहरा जी है। जो डंडे वाली कपड़े धोने की जो थापी है ना वो मेरे कपड़े भी रखी है, पर कपड़े धोने के लिए नहीं, मुझे धोने के लिए। सबका यही हाल है, किधर ला रहा हूँ वो उधर पीछे बैठ गया है, और पूछेगी भी है थापी क्या होती है जो मैं बताना नहीं चाहता। नहीं तो मंगवा किसी का निकनेम जो आपने रखा हो टीम में। मैं ये काम मेरे हरभजन सिंह के होते थे, जैसे श्रीनाथ को मैं और बुलाते बबलू पाजी। क्या बुलाते थे? बबलू पाजी। क्यों रीजन था? और 2003 में ना एक श्री भाई को कोई टोपी मिल गई थी पता है, वर्ल्ड कप में ना साउथ अफ्रीका में कहीं ऐसे ही पड़ी हुई थी किसी ग्राउंड में, भाई साहब ने उठाई ली, उसके बाद पूरे वर्ल्ड कप हम वॉलीबॉल खेलते थे ना वार्म अप में लगाते उन्हें घूमते, तो बच्ची कहता बच्ची तो पता ना, कहते होते ना कहीं
कहते बबलू बाजी नहीं लग रहे, बबलू बाजी बज्जी के पड़ोसी था शायद कोई जलंधर में, बबलू बाजी कहते बबलू बाजी लग रहा है, तो श्री भाई का नाम डाल दिया बबलू बाजी। ऐसे बड़े निकले। अब जैसे सचिन तेंदुलकर देखो, सचिन तेंदुलकर पहले मैंने सिर्फ एक ही बाजी, नॉर्थ में मतलब सबको बाजी बोलते वैसे, यहाँ हम बाजी सुनते थे कपिल बाजी, ठीक है ना, सनी भाई को हम तो सनी भाई बुलाते हैं, नॉर्थ में मदी मदनलाल जी मदीपा मदीपा, पर सब पर वो सिर्फ नॉर्थ में था, कपिल बाजी को सब लोग बाजी बोलते थे। तो ऐसे ही फिर सचिन तेंदुलकर ने 2003 में बनाया था 98 पाकिस्तान के खिलाफ, वापस जा रहे थे हम ग्राउंड से होटल, तब उधर से भज्जी ने गाना शुरू कर दिया था पाजी। तो फिर तब से लेके बड़े सारे लोग तेंदुलकर को, चाहे बंदा बड़ौदा का हो चाहे चेन्नई का हो, वो ही पाजी बुलाता है, पाजी बुलाता है। आजकल सारे घर पे बैठे, किसके लिए घर पे बैठना वुड एक्चुअली बी वेरी इजी, ऑल द पीपल दैट यू प्लेड विद, हु वुड एक्चुअली बी एंजॉयिंग दिस पीरियड द मोस्ट एंड हु वुड नॉट बी एंजॉयिंग दिस? ज़हीर खान, मतलब इसमें कोई सोचने की कोई कॉम्पिटिशन भी नहीं है भाई, ज़हीर खान Zen Master. वो तो वैसे ही बिल्डिंग से नीचे उतरना हो ना तो वो वीजा लेता है भाई। उसको अगर तुम चॉइस दे दो तो वो जो पोजीशन मेरी अभी है ना उसकी 24/7 अगर चॉइस दे तो ही इज रेडी। मतलब थोड़ा अगर ऐसे भी होना पड़े तो एफर्ट है, ये ठीक है। अब ये जैसे सर देखो, तुम कॉफी पीते भी चाय 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 वो उसको कॉफी कॉफी आ जाए और विंडो के बाहर भाई साहब बैठे रहे, कोई नो प्रॉब्लम, आराम से कॉफी भी आ जाए आ जाए नहीं बाद में आ जाए, फिर बाद में कहे सोफे के पास ना जहाँ बैठता था उधर वो मशीन लगी हुई एक्सप्रेसो की, ज्यादा दूर तो हाथ ऐसे लगा के ना वो डाल के ना छोटा सा जो गलता थी उसमें टक की बंदा हिलना ना पड़े। पता चला अब तक प्रिपरेशन में पाइप भी लगा ली होगी, बटन दबाया तीन नहीं वहां से पाइप लगा के इधर रखी हुई है, जैसे ही बटन दबाया ड्रॉप गिर रहा फिर वापस। अच्छा और किसके लिए बड़ा मुश्किल हो रहा होगा ये टाइम? मेरे लिए। आई कैन इमेजिन यार, लाइफ ऑफ एवरी पार्टी, मतलब मस्ट बी वेरी टफ नो। घर पे है ना पार्टी, अभी बच्चों के साथ पार्टी चल ही रही है। देखो I can, ये पता है ये आंसर्स बड़े अच्छे लगते हैं ये देने पड़ते हैं। नहीं मैं पर एक बात पता है, I'm very happy at least I'm in Goa, कि सर थोड़ा देखो सब खुला खुला तो है बाहर। That is true यार, मत जलाओ पेड़ पौधे जल रहा थोड़ा देखो खुला खुला यहाँ भी ये पेड़ पौधे दिख रहे हैं, लेकिन वो आपके अपने घर में ही आप जा सकते हो, आप जा नहीं सकते बॉम्बे में, बस वो फर्क है। पर वो तो खैर हर शहर की लाइफ अलग है। Yeah. पर बड़े लोग हैं जिनको अभी घर बैठ के देखो ऐसा तो नहीं है, सबका दिल लगता है कि थोड़े दिन ठीक है, हफ्ता 10 15 अगर लंबा चला तो फिर दिक्कतें बड़े। ऐसे से विकेट पुरानी हो तो टर्न तो